पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और भजन संध्या का शुभारंभ महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के द्वारा किया गया। कलश यात्रा का शुभारंभ अल्पना रितेश गुप्ता द्वारा किया गया। कलश यात्रा के मुख्य यजमान महेश बंसल, मधु बंसल संयुक्त रूप से रहे। इसके साथ ही श्री परिवार प्रधान यज्ञ संचालक पंडित कृष्ण स्वामी जी महाराज और पंडित आचार्य कामेश मिश्र द्वारा देव पूजन नवग्रह यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर अनीता श्रीवास्तव, शुभम सक्सेना, अर्चना अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, मीना अग्रवाल, शीला श्रीवास्तव, प्रभा गुप्ता, निपम गर्ग, सीमा शर्मा के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज श्री परिवार दिव्य महक समिति की वार्षिक अनुष्ठान में माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं भजन संध्या का आयोजन 21 फरवरी से 23 फरवरी तक होना है, जिसमें आज हमने माँ पीताम्बरा मैया की शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई। क्योंकि कोविड महाकाल चल रहा है, इसमें हमने सीमित संख्या में सीमित संसाधनों के साथ कम समय में शोभा यात्रा निकाली है। कल सुबह हमारे प्रातःकालीन सत्र में यज्ञ और सायकालीन सत्र में भजन संध्या, 23 तारीख को माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं भंडारा भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। आज हमारे कलश यात्रा की मुख्य अतिथि श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी, जिनका हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ और भविष्य में महानगरवासी अपील करते हैं, इस बार ये यज्ञ जो हो रहा है औषधि युक्त यज्ञ हो रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ इस्तेमाल की जाएंगी हवन की आहुति में सामग्री के साथ साथ, जिनसे बैक्टीरिया मरेगा, पर्यावरण और प्रदूषण को निजात मिलेगी। कोशिश हमारी यही रहती है श्री परिवार की कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह हम ऐसे ही हवन करते रहें और ये प्रदूषण और बैक्टीरिया हटाते रहें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।